Hey, welcome back. I am Dharmendra from Dear Science to Dr. Mukherjee New Delhi. मेरे प्यारे दोस्त, मैंने सीरीज दिया अंग्रेजी शुरुआत करें ऐसे बोलना, यानी अंग्रेजी अगर इस तरह से बोलोगे ना, छोटे छोटे सेंटेंस, तो बोलना आ जाएगा. आज से अभी से मेरे साथ प्रयास करो. अंग्रेजी बोलना बहुत आसान है, बस मेरे साथ बोलने का प्रयास करो. डरने की जरूरत नहीं है. आज से और अभी से आपको अंग्रेजी बोलना आ जाएगा, ये पक्का वादा है. बस पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक छोड़ना मत. एक एक चीज कॉपी कलम निकालो तुरंत और हर चीज को लिख भी लो, क्योंकि एक एक ट्रिक्स दूंगा, एक एक पॉइंट्स दूंगा और उस पॉइंट्स के माध्यम से सिर्फ देखोगे तो भूल जाओगे. इसलिए नोट डाउन करके हमेशा तैयार रखो. कहते हैं ना, एक वाक्य सुना देता हूं आपको. कहते हैं कि जब आपके पास सीमित जानकारी हो तो भी आप बेहतर अंग्रेजी बोल सकते हो. एक व्यक्ति था, उसको दो वर्ड आते थे, मात्र दो वर्ड. और दो वर्ड में वो अंग्रेजी बढ़िया बोल लेता था. लोग समझते थे कि बढ़िया अंग्रेजी बोलता है. जैसे वो व्यक्ति बाजार गया और वहां पे किसी को हिंदी नहीं आती थी, वो बिला चला गया था, वो अंग्रेज जैसा बिहेव कर रहा था, वो इंग्लैंड चला गया और उसे दो ही वर्ड आते थे, एक हाउ मच और एक टू मच. एक हाउ मच और एक टू मच. वो बाजार गया, बाजार में दुकानदार से पूछा हाउ मच, दुकानदार ने बताया कीमत, इसने कहा टू मच. राइट, उसके पैसे ही बचते रहे. दुकानदार समझा कि बहुत महंगा बोल दिया हूं, वो कम, तो हाउ मच कितने का है. दुकानदार ने बोला इतने का, इसने जवाब दिया टू मच, ये तो बहुत ज्यादा है. तो हाउ मच टू मच, हर दुकान में जाता बोलता हाउ मच, दुकानदार बोलता इतने का, वो बोलता टू मच, तो दुकानदार पैसे कम कर देता. इससे उसका अंग्रेजी बोलना निकल रहा था और उसके पैसे भी बच रहे थे. बात समझ पा रहे हो? तो कहने का सेंस है कि अगर आपके पास सीमित जानकारी भी है तो आपको घबराना नहीं है, आप अंग्रेजी आसानी से बोल सकते हो. यानी आपके पास, हमने क्या कहा, आप पूरे बाजार घुमाए, बस दो वर्ड आपके पास आया, हाउ मच टू मच. हाउ मच कितने का है, दुकानदार ने बताया इतने का, आपने कुछ नहीं बोला, बस बोल दिया टू मच, है ना. तो टू मच मतलब ये बहुत ज्यादा है. तो इससे क्या हुआ, आपके अंदर एक बोलने की कला आएगी और आपके अंदर पर्सनालिटी इंप्रूव होगा. तो ऐसे ही हमने छोटे छोटे वर्ड और सेंटेंस लिया है ताकि आप सोच सको अंग्रेजी में. जैसे आपने बोला, किसी को पूछा भूख लगी है, भूख लगी है, आपने कुछ नहीं पूछा, सिंपल बोल दिया हंग्री, भूख लगी है. सुनो मेरे साथ, बस इसको रिपीट करो. हमने बोला भूख लगी है, हंग्री, आपने जवाब दिया अभी नहीं यार, नॉट येट यार. अब उतना लंबा सेंटेंस नहीं सोचना है कि भाई क्या बोले क्या ना बोले, बस छोटा छोटा सेंटेंस बोलो ना, बोलना आ जाएगा. भूख लगी है, हंग्री, अभी नहीं, नॉट इट. अकेले हो, अकेले हो, अलोन, अलोन, हाँ यार, यस, हाँ है तो यस, नहीं है तो नो. अगर क्वेश्चन ही पूछेंगे, मान लो आपको बनाने नहीं आ रहा कि आर यू अलोन, तुम अकेले हो, नॉट, आई एम नॉट अलोन, आई एम नॉट अ सिंगल, तो आप जो भी बोलना चाहते हो, अभी नहीं, अकेले हो, अलोन, बस एक वर्ड से पूरा सेंटेंस बन जाता है. बस बोलने का प्रयास करना है. अकेले हो, अलोन, हाँ, यस, ठीक है, ओके, ठीक है यार, ओके यार, आर गेटिंग. तो ना, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, कुछ नहीं यार, नथिंग, है ना. तो हम लोग क्या बोलते हैं, व्हाट हैपेंड, What's wrong with you? तो ये तो बहुत सारे सेंटेंस होते हैं, लेकिन आपको बस बोलना है. यही एक वर्ड आपको सेंटेंस बनाना सिखा देगा. तो क्या हुआ, What happened? कुछ नहीं, Nothing. कुछ नहीं हुआ, ये हमने दिया सेट वन. तो ऐसे आप बोले. अब देखिए सेट टू में आते हैं. सेट टू, हमने एक वर्ड लिया नो, एक लेटर, एक वर्ड नो लिया हमने, एन ओ नो. अब नो का हिंदी हम जानते हैं नहीं, लेकिन यहां पे क्या लिखा हूं, कोई नहीं. हमने दिया नो मतलब कोई नहीं. अब यहां बीच में जो मन करता है वर्ड डाल दो और बोलो अंग्रेजी फटाफट. क्या सर, कोई आइडिया नहीं, कोई रिस्क नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई यूज नहीं, कोई मुद्दा नहीं, कोई समस्या नहीं, हमने सब अंग्रेजी में लिख दिया है. अब कोई नहीं, ये सब के बदले में अंग्रेजी क्या होता है, नो. अब बोल दो नो आइडिया, कोई आइडिया नहीं, नो रिस्क, कोई रिस्क नहीं, नो यूज, इसका कोई यूज नहीं यार, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट ही नहीं,
समझ पा रहे हो आप लोग? तो ऐसे अगर आप एक एक लेटर एक एक वर्ड को जोड़ करके अगर आप बोलोगे ना तो आपका अंग्रेजी बोलना बहुत आसान हो जाएगा। हमने क्या बोला सेट टू में? नो, कोई नहीं। नो मतलब कोई नहीं, कोई आइडिया नहीं, नो आइडिया, कोई विचार नहीं, नो थॉट, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम, समझ लो, कोई समस्या नहीं, नो प्रॉब्लम, इसका कोई यूज नहीं, नो यूज। आर गेटिंग माय पॉइंट? इस तरह से आप छोटे छोटे बस बोलने का प्रयास करोगे, ये सबको स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, और फिर आपका अंग्रेजी क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अब देखते हैं सेट थ्री। अब देखिए सेट नंबर थ्री, तो यहां पर क्या कहा हमने कि सम, अब सम का मतलब थोड़ा, अब सम मीन्स क्या? थोड़ा। अब आपको बोलना थोड़ा पानी यार, तो सम वाटर। एक एक वर्ड पहले बोलना तो सीखो। हमने क्या दिया था? हमने एक स्पोकन का वीडियो बनाया है कि कैसे सीखे अंग्रेजी बोलना। तो हमने एक बात वहां कहा था, फिर सुन लो, कि आप पहले अंग्रेजी छोटे छोटे वाक्य बोलना सीखे। आप कलम मत बोलो, आप बोलो पेन। आप पानी मत बोलो, आप बोलो वाटर। आप कलम मत बोलो, पेन बोलो, वाटर बोलो, कॉफी बोलो, टी बोलो, चाय मत बोलो, मैन बोलो, बॉय बोलो, गर्ल बोलो, सर। इस तरह से आप अंग्रेजी पहले बोलने का प्रयास करो। चम्मच न बोल के स्पून बोलो, तो इससे क्या होगा कि धीरे धीरे अंग्रेजी से प्यार बढ़ जाएगा, प्यार बढ़ जाएगा, बोलना आ जाएगा, समझना शुरू हो जाएगा। जैसे हमने कहा सम, अब सम का मतलब थोड़ा या थोड़ी, जैसे बोलना हो थोड़ा पानी, सम वाटर। पानी, किसने पूछा पानी लेंगे क्या? आपने कहा थोड़ा पानी, आपने बोल दिया अंग्रेजी में सम वाटर। किसने पूछा कि दूध लोगे क्या? थोड़ा सा दूध, क्या बोला? सम मिल्क, थोड़ी सी चाय, सम टी, थोड़ा कॉफी, सम कॉफी, थोड़ा टोस्ट, सम टोस्ट, है ना। ऐसे मैं बात करूं आपसे तो सम के लिए आपने लिख लिया इसको, तो सम के लिए मैं बात करूं आपसे तो सम के साथ साथ यहां पर आप काम करोगे तो सम, ध्यान देना बच्चे को, सम हो या ऑल हो, मैं यहां देखो लिख रहा हूं सम, ऑल, इस तरह से बहुत सारे वर्ड हैं जिनका प्रयोग आप दो तरह से कर सकते हो, एक काउंटेबल नाउन के साथ और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन के साथ। अगर नाउन तुम्हारा अनकाउंटेबल है तो इसके साथ वर्ब लगाना सिंगुलर, और अगर तुम्हारा नाउन काउंटेबल है तो वर्ब लगा देना प्लूरल। बस मेरे बच्चे, हमने कहा ऑल, सम, मोस्ट, बहुत सारे वर्ड हैं सबके साथ अगर काउंटेबल नाउन गिन सकते हो तो वर्ब क्या लगाना? प्लूरल। जैसे सम बॉयज, कुछ लड़के आ रहे हैं तो क्या लिखना है भाई? सम बॉयज, और साफ देखो, सम बॉयज आर कमिंग टुडे, तो सम बॉयज और आर लगेगा। यहां पे सम क्या हो रहा है? किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो क्या हो गया? प्लूरल। अगर हम बोले कुछ पानी गंदा है तो क्या बोलना होगा भाई? सम वाटर इज, बस मेरो, तो सम वाटर इज पॉल्यूटेड, सम वाटर इज पॉल्यूटेड, सम वाटर इज डर्टी। तो आप समझ पा रहे हो इसको? तो आपको जानना यह है कि सम काउंटेबल के साथ आए तो वर्ब प्लूरल, अनकाउंटेबल के साथ आए तो वर्ब सिंगुलर, यह चीज आपको जानना है। लेकिन इतना डिटेल अभी तो आपको छोटे छोटे वाक्य सिखा रहा हूं, जब आप बड़े बड़े वाक्य सिखाऊंगा तो एक से एक स्ट्रक्चर दूंगा। अभी लेवल स्टार्ट किया है, अभी जीरो लेवल स्टार्ट किया है, ताकि उन बच्चों को कवर कर सकूं जो बोलना चाहते हैं। जिनको आता है वह भी हेल्प लीजिए। अब सेट फोर में क्या दिया हमने? प्लीज। अब प्लीज का मतलब क्या होता है? कृपया। लेकिन नहीं, यहां पे दिया हूं प्लीज का मतलब दीजिए। जैसे प्लीज मतलब दीजिए, बिल दीजिए, बिल दीजिए, बिल प्लीज, रसीद दीजिए, रिसिप्ट प्लीज, चेंज दीजिए, चेंज प्लीज, एक दर्जन अंडे दीजिए, अ डजन एग्स प्लीज, विंडो सीट प्लीज, विंडो सीट दीजिए, विंडो सीट प्लीज। तो प्लीज का मतलब आपको भाव निकालना आना चाहिए, रट्टा मत मारो। कृपया के टाइम लिख दिया कृपया, अरे कृपया क्या होता भी? अरे कृपया तो फॉर्मल तरीका है, हर समय प्लीज हो ही तो। प्लीज अगर वर्ब होगा, अगर प्लीज तुम्हारा वर्ब है तो हिंदी होता है खुश करना, वर्ब होगा तो वर्ब। कहे सर, बोलते हैं आई एम प्लीज्ड टू सी यू, मैं तुम्हें देखकर कृपया हो गया, मैं तुम्हें देखकर खुश हो गया। तो प्लीज अगर तुम्हारा वर्ब है तो हिंदी होगा खुश करना, खुश करना। प्लीज अगर एडजेक्टिव है तो हिंदी होगा कृपया। प्लीज का मतलब दीजिए भी हो गया,
दीजिए। तो ये मल्टी यूजेस वर्ड है, रट्टा से काम नहीं चलेगा। स्पीकिंग का अपना कॉन्सेप्ट होता है, उस कॉन्सेप्ट काम करना होगा। तो हमने कहा प्लीज दीजिए, बिल प्लीज बिल दीजिए, रिसिप्ट प्लीज रसीद दीजिए, चेंज प्लीज छुट्टे दे दीजिए, अ डजन अंडे प्लीज, अ डजन एग्स प्लीज, एक डजन अंडे दीजिए, विंडो सीट प्लीज विंडो सीट दीजिए। बस समझ पा रहे हो इस तरह से अंग्रेजी कहां टफ हो बताओ? बहुत आसान है भाई, बस बोलो तो मेरे साथ, लिखो तो मेरे साथ। अगला देखो, मोर, मोर मतलब और, मोर मतलब और। जैसे हमने कहा मोर और दूध चाहिए, मोर मिल्क, मोर टी और चाय, मोर कॉफी और कॉफी, मोर वाटर और पानी, मोर पेन और कलम, मोर बुक और किताब। इस तरह से अगर आप काम करोगे बच्चे तो आपका अंग्रेजी लॉलीपॉप हो जाएगा। आपके मैं बात करता हूं, मैं पहाड़ हूं स्पोकन। अगर आप एसएससी की तैयारी करते हो, यूपीएससी की तैयारी करते हो, तो आप वेबसाइट पर जाइए और वेबसाइट जाने के बाद आप वहां टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। आप टेस्ट देकर देखिए कि आपका लेवल क्या है। अगर आप मेरा क्लास करना चाहते हैं एसएससी का, यूपीएससी का, यूपीएससी का, बैंक का, मैं आपको अंग्रेजी सिखाने पे यहां जोड़ दे रहा हूं। एक नमूना होता है। अगर आप चाहते हो डीप क्लास करना, पूरे डेढ़ घंटे का बैच करना अपने मोबाइल पे, तो आप www.dsl.com पे जाएं और वहां पूरा क्लास एक नॉर्मल फीस देकर के पूरे 90 वीडियो आप डाउनलोड करके, आप पूरे डाउनलोड नहीं, आपको सारा क्लास मिल जाएगा सिस्टम के माध्यम से। बस वेबसाइट पे आप जाइए, विजिट करिए और वहां पे सारा सिस्टम समझा दिया गया है, कैसे एडमिशन लेना है, कैसे पढ़ना है और कैसे काम करना है। अगर आप दिल्ली आना चाहते हैं तो दिल्ली अब दूर नहीं है मेरे यार, दिल्ली आकर के फेस टू फेस मेरे से क्लास ले सकते हो, कंप्लीट क्लास और लाइफ टाइम के साथ। जब तक अंग्रेजी न सीखो, जब तक मेरा साथ मत छोड़ो, यूट्यूब पे हो तो, ऑनलाइन में हो तो, और ऑफलाइन दिल्ली आ गए हो तो। जब तक अंग्रेजी ना आए, जब तक एसएससी पास ना हो जाओ, जब तक यूपीएससी ना बन जाओ, जब तक दुनिया का कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो, जब तक आप सफल ना हो जाओ, तब तक धर्मेंद्र सर आपको ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो पढ़ाते रहेंगे। ऑफलाइन में कभी भी मैं फीस नहीं लेता, ऑनलाइन में भी आप एक बार फीस देते हो और हमेशा के लिए आप दो बार, तीन बार, दस बार, एक वीडियो जितनी मर्जी बार आप देख सकते हो। ये यूट्यूब अलग कॉन्सेप्ट है और ऑनलाइन क्लास अलग कॉन्सेप्ट होता है। ऑनलाइन का जमाना है, आप ऑनलाइन क्लास ले सकते हो और दिल्ली भी अब दूर नहीं, दिल्ली भी आ सकते हो। आपको पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को हर बच्चे को शेयर करिए, हर बच्चे को दिखाइए। थैंक यू वेरी मच।